मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा नवादा गया दौरे के दौरान घोड़ा कटोरा स्थित गंगा जल उपद्रव परियोजना अंतर्गत निर्मित जलाशय का निरीक्षण किया। तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणधीन क्रिकेट स्टेडियम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इस क्रिकेट स्टेडियम को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गंगा जल आपूर्ति योजना का जायजा लेने पहुंचे थे, जिसके बाद क्रिकेट स्टेडियम का जायजा लिया है। और तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ काम करने का मौका मिला था, तो हमने यहाँ की स्थिति देखी थी, गया की स्थिति, तो हमारी तो एक साथ होगा कि गंगा जल को वहाँ पहुँचाएंगे, गया के लिए, और गया का मतलब गया और गया के लिए, और नवादा के लिए। पहली बार तो समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, इस बार जब आप जानते हैं कि जब आप सब लोगों को जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 19 और उसी समय हमने यह तय किया कि साहब गंगा जल को यहाँ तक पहुँचाना, और उसी समय जो सारी बात और कैसे कहाँ से लाएगा, तो हमने शुरू में ही बता दिया था कि गंगा जल को लाने से कहाँ से सुविधा होगी मोकामा के पास। अब ये लोग डिपार्टमेंट का लोग जगह जगह जा करके देख, हमने कहा जितना देखना है देख लो, एक ही जगह से ठीक से आएगा। अंत में सबको लगा कि नहीं वही ठीक से आए, वही करके फिर उसका रास्ता हम 2-3 राउंड घूम कर किस तरह से रूट बनना चाहिए और कहाँ से पानी आप लाइएगा, पूरे अलाइनमेंट के लिए तो अल्टीमेटली लोग सब एग्री किए और उसकी अलाइनमेंट से हो गया, सब हमने देखा आने को बाद। अब इस बार पिछली बार भी आकर के यहाँ भी देखना है, और गया का भी देखते हैं, बोध गया का भी, और जहाँ जाएगा फिर बाई रोड जाकर जो पाइप लाइन को छाया जा रहा था यहाँ ले जाने के लिए, एक एक जगह देखते हैं कि कहाँ पर जा रहा है, कितना दूर तक रुक गया, कितना बचा, अनेक जगह अब लगभग वहाँ भी पहुँचने वाला है। यहाँ तक का तो पहुँच गया, वहाँ तक भी पहुँचने वाला है, तो अभी ये लोग वही ट्रायल कर रहे हैं। लेकिन असल काम जो होगा वो बरसात के समय में जो 4 महीने हम लोगों ने तय किया है, वहाँ से पानी लेके और यहाँ पर और यहाँ से फिर 3 जगहों पर जाएगा, और वहाँ पर उसको प्योरीफाई किया जाएगा और तब उनके वितरण के लिए वो सब होगा। ये सब पहले से एक ही तय है, उसके लिए काफ़ी बार मीटिंग कर चुके हैं, पर आज जो हम आए ये तो देख ही लिया कि यहाँ तक आने की स्थिति होगी।